सर आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग पता नहीं कैसे हो जाती है ठीक है सर आता तो सब है बट पेपर छूट जाता है सर घर पर आकर तो सात क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है ते लेकिन कभी हमने हमने इन क्वेश्चनों का कारण क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करी हेलो बच्चों मेरे बच्चे बहुत जोरों शोरों से अपनी मेहनत में लगे हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बच्चों एक समस्या जो आपके साथ साथ चल रही है साए की तरह सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें सर हम पेपर अटैप कैसे करें क्या आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं आर यू सफरिंग फ्रॉम आर यू सफरिंग फ्रॉम मैं कह रहा हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका आंसर हा होगा मैं कह रहा हूं जिसका सात सौ सात सौ दस नंबर भी ला रहा है उसका भी आंसर आ होगा आर यू सफरिंग फ्रॉम आता तो सब है बट नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है सर आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग पता नहीं कैसे हो जाती है ठीक है सर आता तो सब है बट पेपर छूट जाता है आता तो सब है सर पर पेपर छूट जाता है क्या मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं आता तो सब है सर लेकिन पेपर छूट जाता है सर घर पर आकर तो सात क्वेश्चन हो जाते हैं पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है सर घर पर आकर तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है सर आता तो सब है एक मिनट उठ जाओ बेटा एक मिनट हाँ सर आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग हो, बहुत हो जाती है सर आता तो सब है पेपर छूट जाता है सर घर पर आकर तो सब हो जाते हैं घर पर आकर तो सब हो जाते हैं पर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है क्या आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं आर यू सफरिंग फ्रॉम दीज स्टेशन यस सर दिस इज द मेजर पीड़ा इन अवर शरीर ओके okay. तो आओ इसको दूर करते हैं आओ इसको दूर करते हैं और तुम्हारे शरीर का एक्सरे निकाल के उसकी जांच करते हैं और जो तकलीफ है उसको दूर करते हैं बेटा हम इस पीड़ा से पीड़ित है लेकिन कभी हमने हमने इन क्वेश्चनों का कारण क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करी यह कारण तुम्हें भी पता है और तुम्हें कई टीचर्स इंक्लूडिंग मी भी बताए है जाते हैं कि बेटा सिली मिस्टेक मत करो पेपर टाइम मैनेज करो ठीक है ऐसे करो वैसे करो बताए जाते हैं लेकिन बच्चों सोल्यूशन नहीं बताया जाता है सोल्यूशन क्या है कैसे करें सर कैसे करें इंप्रूव ठीक है बेटा इसमें एक बहुत छोटा सा वाक्य सुनाता हूं एक बार क्या होता है चलो छोड़ो वो मैं फिर कभी और सुनूंगा अभी लेट हो जाएंगे अपन ठीक है अभी मुद्दे की बात करते हैं फिर मैं बताता हूं हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स तो बच्चों मैं ये स्क्रीन पॉज कर लो आप मैं साइड में हो जाता हूं ये क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा ये स्क्रीन पॉज कर लो बेटा आपके सामने दस क्वेश्चन है आपके सामने करना है, ये टेन आपको पे फिल करने है। बिल्कुल दस और उन दस क्वेश्चनों के लिए आपको समय मिलेगा मात्र जैसे दस क्वेश्चन है दो बातें एक तो मैं तेरे को पूरा दिन दे दूं अगर मैं इस क्वेश्चन इस पेपर में पूरा दिन दे दूं तो आई एम चेकिंग यूर नॉलेज नॉट एक्यूरेसी एंड स्पीड ओके okay? अगर मैं पूरा दिन देता हूं इन दस क्वेश्चनों के लिए तो मैं तेरा नॉलेज चेक कर रहा हूं अब वो व्यक्ति ज्यादा क्वेश्चन करेगा जिसको नॉलेज ज्यादा होगा क्योंकि समय इज ओके okay? समय इज नो लिमिट ऑफ टाइम तो बच्चों में बोल दू नॉलेज वाला जीत जाएगा बट आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम ये नहीं है लेकिन आप प्रिपरेशन इसी तरीके से करते हैं कि खूब नॉलेज लेने में लगे रहते हैं पूरे साल आप ये चाहते हो मैं टफ से टफ क्वेश्चन कर लू

दिमाग से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। अब बात नॉलेज की बच्चों विराट कोहली राहुल द्रविड़ चेतेश्वर पुजारा इसलिए महान बल्लेबाज नहीं है क्योंकि उनके पास शॉट दूसरों से अलग है उनके पास टेक्निक दूसरों से अलग है उनके पास नए क्रिकेटिंग शॉट नहीं वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपनी उट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर लिया उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को कम कर लिया वो उनका बॉल सिलेक्शन सही है वो गलत बॉल को नहीं छेड़ते समझ में आ गई जो उनके रेंज में बॉल मिलती उसी पे प्रहार करते बाकी डिफेंस कर लेते हैं दिस इज द मेन पावर ऑफ देयर क्लास या देयर एक्सीलेंस ओके तो सर अब क्या करें तो बच्चों जब अपने को टाइम मैंने दे दिया चलो अभी मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं तीन मिनट तीन मिनट का समय दिया दस क्वेश्चन है तो बच्चों अभी भी टाइम की लिमिट है अभी भी स्पीड एक्यूरेसी चाहिए अब सुनना आपके साथ एग्जाम में क्या होता है आप पहला क्वेश्चन देखते हो आपको आता है आप करने बैठ जाते हो क्योंकि आपको साइन 15 की वैल्यू आती है आप अपने मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हो इसको सोल्व करते हो जो कि पहली बार में तीन मिनट के ड्यूरेशन में नहीं किया जाना चाहिए था कई बच्चों को फॉर्मुले नहीं तो परेशान हो जाते पहला क्वेश्चन तब

बड़े शानदार ऐसे चल रहा रूम में और आपको पसीना आ रहा है क्यों क्योंकि बच्चों आपके पास आर्ट नहीं थी पेपर अटेम्प्ट करने की बेटा जो क्वेश्चन आपको टफ लगे वो सबको टफ लग रहे हैं तू चिंता मत कर मैं क्या कह रहा हूं जैसे ही पेपर टफ नजर आए जैसे लास्ट ईयर 2022 के पेपर में जिन लोगों ने सोच लिया हम बायो में तबाही मचा देंगे बायो का पेपर टफ आ गया उनके हाथ पैर फूल गए फिजिक्स इजी आ गई तो जिन लोगों ने क्या हाथ पैर फूल गए वो बायो में इतने परेशान हो गए इतने उलझ गए इतना समय खराब कर दिया उनके पास फिजिक्स के लिए समय नहीं बचा तो बेटा एक पेपर टफ आएगा एक एवरेज आएगा एक बहुत इजी आएगा एक तो बच्चों ऐसा तो चलता रहेगा जैसे ही आपको पेपर टफ लगे आप ये सोचो सबके लिए टफ है और अपनी एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस कर दो जब हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से कम हो जाती है तो हम कभी प्रेशराइज नहीं होते हम कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां 45 क्वेश्चन राइट करने की तू सोच रहा था वहां अपने आप को समझा ले पेपर टफ है केमिस्ट्री बायो में ज्यादा कर दूंगा फिजिक्स में 35 या 30 करेंगे 30 कर ले जैसे की बना ली तेरे पास पंद्रह क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप आ गया और जैसे हमारे पास पंद्रह क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप आ गया तुम ना तो गलत में उलझोगे ना प्रेशराइज हो और स्मूथली अपनी गाड़ी को साइड में से निकाल लोगे स्मूथली इजी क्वेश्चनों से होती हुई गाड़ी निकल जाएगी और जो टाइम बच जाएगा बेटा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो जो टाइम बचेगा उसमें केमिस्ट्री बायो ज्यादा कर लेना जिन लोगों ने बायो में पिछले साल टू ट्वेंटी ट्वेंटी टफ आई है और उन्होंने अपनी गाड़ी इजी होते हुए निकाली उन्होंने फिजिक्स में स्कोर कर दिया अरे लोगों ने वन भी करे मेरे पास दस पंद्रह क्वेश्चन स्टूडेंट्स की लिस्ट है ठीक है तो बच्चों गाड़ी स्मूथली निकाल लो सर कैसे बताता हूं यह टफ है मत कर पहली बार में छोड़ दे पहली बार में छोड़ दे डी लिख दे सेकेंड अटेम्प्ट में करेंगे कैलकुलेशन है देखो आता है टू की पावर थ्री कर लोगे एट फोर की पावर कर लोगे थ्री थर्टी सिक्स एट कर लोगे पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा इससे कम इसको सी लिख दो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो इसको बी लिख दो है ना फिर जैसे ही तुमने थोड़ा पेशेंस रखा धूप के बाद छांव आती है जिंदगी धूप और छांव जिंदगी का हिस्सा है बेटा अगर धूप को सहन कर दिया तो छांव में उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है जैसे ही थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे ये देख छांव आ गई ए, थ्री की पावर टू नाइन नाइन और टू इलेवन इलेवन और सिक्स आ गया सेवनटीन यस सर फिर बेटा ये इसमें फिर पता कैलकुलेशन है कई बच्चे इसको एग्जैक्ट सोल्व करते हैं अब यहां पे बच्चों जिन्होंने लॉजिक लगाया लॉजिकल अप्रोच ए लॉजिकल अप्रोच या फिर यहां पे टाइम खराब कर दोगे अटेम करोगे डेसिमल उड़ा के काटोगे समय लगेगा तो या तो लिख बी और या लगा लॉजिक बी और लगाओ लॉजिक सर लॉजिक कैसे तो लॉजिक ये कि थ्री का डिवाइड करते तो टू आता पर थ्री से कम का किया तो टू से ज्यादा आएगा ए लॉजिक क्या है ग्रेटर देन टू आंसर होगा ग्रेटर देन टू आंसर होगा दिस इज द क्लास जो पूरे साल बताइए मैंने एक टू पॉइंट में दिस इज द क्लास वॉट इज लॉजिक सर ऐसा एग्जाम में थोड़ी ना होता है मैं तेरे को एग्जाम के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा एग्जाम में होता है नहीं होता है इसकी पीडीएफ में तेरे को एग्जाम के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा हमारे ऐप पे मिल जाएंगे ठीक है एग्जाम में सब होता है बेटा चल मैं बता देता हूं डुअल नेचर में डी ब्रोगली का क्वेश्चन आया एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सल हो रहा है शुरू में डी ब्रोगली वेरी वेल नोन क्वेश्चन है शुरू में डी ब्रोगली डीप रोगीडा नोट है तो आफ्टर सम टाइम कितनी होगी अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सल हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी मोमेंटम बढ़ जाएगा डी ब्रोगली रोगलीवलन कम हो जाएगी एक ही ऑप्शन में कम था चारों में से एक ही ऑप्शन में कम था जाके सर्च कर ले जाके सर्च कर ले चारों ऑप्शन में से एक में ही कम था और उसकी कैलकुलेशन करेगा तो तेरे कम से कम से मैं हूं कमेंट कर देना इस पर ऑनलाइन तू चाहे तो चेक कर ले सर। ओके। सर। अब जिन लोगों, ने जिन लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता था उन्होंने यह भी अटेम्प्ट कर लिया ये भी कर लिया और बहुत सारा समय लगा दिया उनके एक डेढ़ मिनट पूरा हो गया अब उनके पास एक डेढ़ मिनट बचा तो देखो प्रेशर कैसे आता है एग्जाम में प्रेशर कैसे आता है वो ये करते सरफेस एरिया दिया होता है स्पीय का ये सरफेस एरिया ऑफ इज दिस तो वो लिखते हैं एरिया बराबर सिक्सटी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ओके और एरिया उनको याद होता है फोर पाई आर स्क्वायर वो पूरा सोल्व करते हैं सिक्सटी पाई पाई से पाई कटता है फोर से कटता है सिक्सटीन और आर बराबर आ जाता है फोर आर बराबर आ जाता है फोर सेंटीमीटर उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि नहीं क्योंकि प्रेशर प्रेशराइज कर दिया एग्जामिनर ने दो तीन क्वेश्चनों में तेरे को उलझवा दिया जैसे ही तुम एक दो क्वेश्चन में उलझ जाते हो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है अब तुम काम खुद के हिसाब से नहीं कर रहे हो अगले के हिसाब से कर रहे हो उन्होंने दो तीन क्वेश्चन में प्रेशराइज करके क्वेश्चन डाल दिया पता है इसमें क्या पूछा था तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं इसमें पूछा था डायामीटर इसमें पूछा था डायामीटर व्यास हिंदी मीडियम व्यास डायामीटर और तुमने टिक कर दी रेडियस क्यों ये उसकी प्लानिंग थी ये एक षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ एग्जामिनर ने रचा था और ऐसा होता है सर सिली मिस्टेक हो गई अरे सिली मिस्टेक हुई नहीं उसने प्री प्लानिंग होकर करवाई है देख तेरे पे प्रेशर कैसे क्रिएट करते एक बड़ी सी बुकलेट देते पेपर की बड़े बड़े डायग्राम बनाए जाते के लिए वर्क दे दिया जाता है ताकि एक पेज में एक याट इतनी मोटी हो जाए जैसे इतनी मोटी बुकलेट तुम पकड़ते हो हाथ में तुम्हारे वैसे ही टेंशन हो जाती कि तीन में कैसे करेंगे दिस इज देश किया जाता है और बीच में ऐसा क्वेश्चन डाला जाता जिसमें सिली मिस्टेक अब तेने टिक कर दिया और बाहर आके देखा तो डायामी पूछा था आंसर एट सेंटीमीटर था और समझ में आ गई तो ये मिस्टेक तेने नहीं करी अगले ने करवाई है तो बेटा रीड क्वेश्चन केयरफुली क्वेश्चन को लास्ट तक ध्यान से पढ़े पेशेंस में रहे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए तो ये मिस्टेक होनी ही होनी है होनी ही होनी है आपने पीछे से अटेम्प्ट करा कई लोगों ने पीछे से अटेम्प्ट करा वो यहां है ये यह देखो ए, ए एक्स बराबर एट बाई टू फोर एक्स की वैल्यू पूछी थी इजी था तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन छोड़े इजी क्वेश्चन करा थ्री टू या सिक्स या एक दो में टाइम खराब कर दिया फिर वो फास्ट हो गए ए इसमें टाइम खराब कर दिया देखो बहुत अजीब सा मल्टीप्लाई था टू पॉइंट थ्री नाइन टू पॉइंट सिक्स तो बच्चों खूब सारा मल्टीप्लाई सर तो बच्चों ये इजी था ट्वेल्व टिक कर दिया घर आके की चेक करी गलत हो गया क्यों क्योंकि देखो कितने उस हाफ ऑफ एक्स पूछा था ए एक्स देखे हाफ ऑफ एक्स पूछा था मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे से जिसने OMR भरी है उसने गलत करा होगा मैं गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चन में हाफ ऑफ एक्स पूछा था या तो यहां कर दिया होगा कर कमेंट करके बताओ किसने कितने लोगों ने इसका आंसर फोर करा या इसका आंसर ट्वेल्व करा बेटा कमेंट करो कि सर मेरा एट गलत हुआ है या मेरा फाइव गलत हुआ है दिस इज पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अगर आपको यह पता है कि टाइम की लिमिट है और आपको पता है कि पेपर में कई क्वेश्चन टफ है या जो पहली बार में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको पहली बार में छोड़ो जो कंपेरेटिवली ज्यादा कैलकुलेटिव है उन सी लिखो जो, जो कम कैलकुलेटिव है उस पर बी लिखो और जो पहली बार में बहुत इजीली हो रहे उनको करो जैसे ये दिस इज ए कैटेगरी क्वेश्चन इसको पहली बार में करो इसको अभी मत करो इसको अभी मत करो ये करो अगर मेरे को अगर मेरे को कोई तीन मिनट देगा तो मैं पहले यह करूंगा इसमें लॉजिक लग गया तो ठीक नहीं तो छोड़ दूंगा कोई बात नहीं छोड़ दिया फिर यह हो जाएगा अगर आप प्रेशराइज नहीं हुए तो आप इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लोगे कि डायमीटर पूछा है क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड माइंड में हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आप गलती नहीं करोगे आप देखो कभी भी सोके उठते हो जब भी सोके उठते हो आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपसे नहीं हो रहे हो रहे थे और बच्चों बहुत ज्यादा थके हुए होते तो इजी इजी क्वेश्चन नहीं होते याद है यस सर अब देखो ये छाव आ गई सेवन प्लस थ्री टेन माइनस फाइव फाइव बाई फाइव वन ओके सर ये हो जाएगा अब अगर आप रिलैक्स हो तो आपका आंसर वन आया तो आप ऑप्शन वन में ये देखो ऑप्शन डी में तो वन आंसर में कई बार बच्चा ओएमआर में वन भर देता है तो यहां पे फिर बच्चे है ओएमआर में वन मत भरना नहीं तो बच्चों पे सांप काटने जैसी बात हो जाएगी मैंने एक वीडियो भी बना रखा है ओएमआर फिलिंग पे ओएमआर फिलिंग पे वीडियो भी बना रखा है इसमें देख कैसे गलती करवाई आंसर आया वन पर ऑप्शन वो जो वन है वो फोर्थ ऑप्शन में दिया तो बच्चों तू ऑप्शन याद रख वन याद रखेगा तो ओएमआर में वन पे बबल कर देगा तेरा आंसर वन आया छोड़ो ऑप्शन फोर फोर फोर, फोर, फोर तो आ गई सही भर देगा नहीं तो गलत हो तो जाएगा ओके छाव आ गई टू की पावर फोर दो चार आठ सोलह चार बीस बीस आंसर खत्म अब ये बीस टिक करके आगे बढ़ गया पर अगर तू है चारों ऑप्शन चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो अब तू करके आगे बढ़ गया बाहर निकला दोस्त ने कोनी की गलत है तेरा तू कहेगा नहीं इसका तो आ रहा है। फिर वो देख, देख। प्लस फोर ट्वेंटी दिस इज ऑल्सो ट्वेंटी तो बच्चों दो में आ रहा था पहले में भी ट्वेंटी सी में भी तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आप पेपर उठा के देख लो बायोलॉजी में ऐसा बहुत होता है डी में होता है ओल आर करेक्ट

अगर आपको पेपर अटेम्प करना आता है भारी क्वेश्चन छोड़ोगे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे जब ऑप्शन में वन टू थ्री फोर आंसर आएगा तो ऑप्शन याद रखेंगे क्योंकि गेम खेल देगा वन को फोर ऑप्शन में दे देगा गलत टाइम खराब नहीं करेंगे ओके और पेपर को इतमान से अटेंड करेंगे टफ पेपर होगा तो अपने को समझाएंगे कि सबके लिए टफ है मेरे लाल सबके लिए टफ है ओके सर मजा आ गया तो बेटा ये सब मैंने यकीन में समझाए हुए थे टू पॉइंट में जिन जो लेना क्लास अटेंड उनको और नहीं तो आप, आप पता कर लो कोई बात नहीं बेटा देर आए सवेर आए दुरुस्त आए कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा ये फिर इसको कर लेंगे ठीक है अब बच्चों पहली बार में मैं करूंगा एक दो तीन धूप के बाद चा तीन चार पांच ये पांच उसके बाद अगर सांस बची पांच उसके बाद ये अगर इसमें बोर्ड मास ए पहले डिवाइड होगा फिर एड होगा ए बोर्ड मास अब क्वेश्चन है नॉलेज तो, तो, तो क्या मोल तुम मैक्सिमम आउटपुट उसका आएगा जिसने इजी इजी करे कम मिस्टेक वो करेगा जिसने प्रेशराइज नहीं हुआ ओके बच्चों बेस्ट ऑफ लक मैंने जानबूझ के मैथ का एग्जांपल लिया ताकि सबको समझ में आए अगर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लिखता तो कई लोगों को नॉलेज की कमी होने की वजह से वो समझ नहीं पाते बातों को ठीक है पर मैं मानता हूं आपको बहुत नॉलेज है पर इससे आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनर कैसे गेम खेलता है कैसे मिस्टेक होती है कैसे टाइम डिस्टर्ब होता है तो टाइम मैनेज कैसे करना है गलत क्वेश्चन पहली बार में अटेम नहीं करना है और सिली मिस्टेक से कैसे बचना है प्रॉपर क्वेश्चन अटैम्प करोगे चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ोगे नोट करेक्ट ढंग से पढ़ोगे ऑप्शन आंसर वन को ऑप्शन फोर में दिया तो ऑप्शन याद रखोगे बाय बाय धन्यवाद टेक केयर